हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स। तो आज हम कच्चे आम की कलौंजी, बहुत ही स्वादिष्ट कलौंजी ये बनती है। और अभी आम का सीजन है, अभी कच्चे आम आते हैं तो एक बार तो बनता है ये रेसिपी। सो ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और देख सकते हैं, ये मैंने अपने कैंपस से ही आम छोटे छोटे तोड़ के लाए हैं और हमारे घर का समझिए आम है और बहुत ही अच्छे आम निकले थे। इस तरह से छोटे छोटे कच्चे आम ही लेना है और इसे हम छील लेंगे। इस तरह से आम को हम छील लेंगे और उसे चार भाग में काट लेंगे। सो देख सकते हैं आपको, ज़्यादा छोटे छोटे पीसेस नहीं करने हैं। और अभी इसमें गुठली भी नहीं बनी है, सो बहुत ही सॉफ्ट थे, बहुत ही ईजली कट हो गए थे। और आम का जो मीठी वाली कलौंजी होती है वो आम छील कर ही बनती है, ऐसे ही नहीं बनाया जाता है। सो हमेशा आम छील लें और इस तरह से मोटे मोटे टुकड़ों में कर लेंगे और बीच वाला जो बीज होता है वो हम हटा देंगे। सो मैंने 250 ग्राम के लगभग में आम लिया था, देख सकते हैं 6 से 7 आम थे छोटे छोटे से। और सबको हमने इस तरह से मोटे मोटे टुकड़ों में कट करके आम को अच्छे से धुल लिया है पानी से। अब उसके लिए हमने आधा कटोरी चीनी लिया है और 5 फ़ोरन, देख सकते हैं, जीरा, सौंफ, सरसों, अजवाइन और मेथी, और थोड़ा सा हमने ड्राई फ्रूट्स, नारियल और किशमिश कट कर लिया था, 2 लाल मिर्ची, सूखी लाल मिर्च और 2 तेज़पत्ता। अब हम इसमें 1 चम्मच घी डालेंगे। इंडक्शन पे हमने पैन चढ़ाया है और 1 चम्मच घी डाला है। आप चाहें तो ऑयल भी डाल सकते हैं, बट घी से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। सो आप यहाँ पे एक ध्यान दें कि 1 चम्मच थोड़ा ही तो लगता है। सो घी डालने के बाद घी गर्म हो जा गया है तो हमने 5 फ़ोरन डाल दिया और 2 तेज़पत्ता, 2 लाल मिर्ची डाल दिया है। और 5 फ़ोरन में वही सरसों, सौंफ मस्ट है, इसमें पड़ता ही है। सो जो भी होते हैं खड़े मसाले वो डाल दें और इसे अच्छे से थोड़ा सा फ्राई होने देंगे। जब सोंधी सोंधी खुशबू आने लगेगी तब इसमें हमने आम जो कट करके धोल करके रखे थे वो डाल देंगे। और ये रेसिपी, आप ये आम का, हम लोग बिहार में इसे आम का अंगूरा बोलते हैं, आपकी आम की लौंजी, आम की जेली, आप इससे बहुत सारे नामों से बना, आम का मीठा अचार। और ये है जो इस रेसिपी को आप इस तरह से बनाकर 15 दिन के लिए आप स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होते हैं। आप देख सकते हैं उसमें हमने थोड़ा सा नमक डाला है और 1/2 चम्मच से भी कम नमक और 1 थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ा सा हमने मिक्स मसाला डाला था, जैसे मिर्ची पाउडर, जीरा और धनिया मिक्स था 1/2 चम्मच। वो सब डालने के बाद इसे अच्छे से चलाएंगे। थोड़े से चलाने के बाद इसमें हमने जो चीनी रखा था 1/2 कटोरी के करीब डाल दिया और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हमने कट करके रखे थे वो भी। आप चाहे तो इसे गुड़ में भी बना सकते हैं और चीनी में भी बना सकते हैं, दोनों में बनते हैं और दोनों में ही टेस्टी लगते हैं। सो मैंने यहाँ पर चीनी यूज किया है और इसमें हमने 1-2 चम्मच पानी डाल दिया है ताकि नीचे से चिपके ना। और ये आम तो खट्टे होते हैं, सो इसमें चीनी बहुत ईजिली पिघल जाते हैं। सो देखेंगे, अब हमने मीडियम फ्लेम कर दिया है, अभी तक फ्लेम हाई था, और ढककर 5 मिनट तक छोड़ दें। और देखिए, मैंने 1-2 चम्मच पानी डाला था और ये चीनी पूरी अच्छी तरह से पिघल चुकी है। और इस तरह से ही आम इसमें पकेंगे, इस चीनी की चाशनी में ही आम पकेगी। अभी इसे मीडियम फ्लेम पे हम 5 मिनट तक छोड़ देंगे और आम बहुत ही जल्दी कुक हो जाते हैं। सो इसमें थोड़ी देर में 2 छोटी इलायची हमने क्रश करके डाल दिया, छोटी इलायची डालने से टेस्ट बहुत ही अच्छे आते हैं। सो इस तरह से आप बनाएंगे, बिल्कुल बिहारी स्टाइल में ये है आम की लौंजी। इसे पूड़ी, पराठे, ये सबसे ज़्यादा जाता है सत्तू पराठा के साथ, या आप चावल में भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी, का पराठे के साथ भी बहुत ही अच्छा जाता है। ये खट्टी मीठी आम की चटनी बहुत ही चटपटी होती है, आप जिसे ही खिलाएंगे वो आपकी तारीफ़ करेगा, ये इतनी टेस्टी लगती है। सो आम की लौंजी एक बार अब इस तरह से ज़रूर ट्राई करें। हमने अब फ्लेम हाई कर दिया था, अब हो चुका है हमारा, देख सकते हैं रस भी गाढ़ी हो चुकी है। इस तरह से चाशनी जब तार बनने लगे तो हमारा रेडी है। थोड़ी देर हमने ठंडा करके इसे बाउल में सर्व किया, आप देख सकते हैं आम की खट्टी मीठी लौंजी रेडी है। तो आप भी अपने घरों में बनाइए और खाइए। इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। रेसिपी अच्छी लगी तो चैनल